काम। शुरू के दिन से पाकिस्तान में लोग जद्दोजहद कर रहे थे, घरों की प्रॉब्लम थी, रोडें नहीं थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, जॉब्स की प्रॉब्लम थी, और इंडिया में क्या हुआ था, हिंदुओं ने वायलेंस शुरू कर दिया था, वो लोगों पे अटैक कर रहे थे, जिस वजह से कायदे आजम बहुत सीरियस काम और थोड़े से परेशान थे, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा परेशान थे, और उन्हें स्ट्रगल करके इस तकलीफ से भी निकल गए वो। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेशन टू चिनाब। इन तमाम परेशानियों के बावजूद मोहम्मद अली जिना वॉज नाउ टायर्ड एंड इल, बट ही वॉज सेटिस्फाइड, ही हैड वन पाकिस्तान, ही हैड वन अ होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। कायदे आजम बहुत थक चुके थे, बीमार भी थे, लेकिन वो मुतमइन थे, ही हैड वन पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान जीत चुके थे। ही हैड वन अ होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। वो एक अपना घर जीत चुके थे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। मुतमइन थे, परेशान थे, टाइट थे, बीमार थे, लेकिन एटलीस्ट ही हैड वन पाकिस्तान। वो इसलिए सेटिस्फाइड थे कि मैं पाकिस्तान जीत चुका हूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या होता है। वो कहते हैं द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की क्या हालत थी और पाकिस्तान बनने के बाद उनको क्या फैसिलिटीज मिली। कहता है Once the Muslims of the subcontinent had been a small defeated group. एक वक्त था जब मुस्लिम जो थे एक डिफीटेड ग्रुप थे इंडिया में। दे हैड लिटिल टू होप फॉर, थोड़ी सी उम्मीद थी। दे हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन, कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसको वो अपना कह सकते। दे वर इन द एम्पायर ऑफ अ फॉरेन पावर, एक गैर मुल्की पावर उन पे हुकूमत कर रही थी, द ब्रिटिश, एंड साइड बाय विद द मुस्लिम लिव द हिंदूस। ब्रिटिश उन पे हुकूमत कर रहा था और उसके साथ एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में हिंदूस उनके साथ रह रहे थे। 1/3 की प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंस था। देवर एन एब्सोल्यूट परमानेंट मेजोरिटी, देवर हिंदूस जो थे एक परमानेंट मेजोरिटी में थे। एज आई टोल्ड यू दैट 1/3 का डिफरेंस था। दे वर डिफरेंट फ्रॉम द मुस्लिम्स इन एवरी रिस्पेक्ट, किसी भी जाविये से वो मुसलमानों से मुख्तलिफ थे। वंस जिना सेट द हिंदूज एंड द मुस्लिम, वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट ज्वाइन अस टूगेदर। क्लियर, कायदे आजम ने कहा हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं, जातें हैं, कि अब हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको गैदर कर सके। सो ही पुट फॉरवर्ड हिज टू नेशंस थ्योरी, दिस एटलीस्ट गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। क्लियर, उन्होंने नए मुल्क की थ्योरी पेश करी और उसने पाकिस्तान के आइडिया को जन्म दिया, या पाकिस्तान का आइडिया वजूद में आया। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स। चौधरी रहमत, वो इन्वेंटेड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन 1933। चौधरी रहमत अली वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, ही फाउट फॉर द आइडिया ऑफ पाकिस्तान ऑल हिज लाइफ, सारी जिंदगी वो पाकिस्तान के आइडिया के लिए लड़ते रहे। He invented the name of Pakistan in 1933. उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया 1933 में पाकिस्तान का नाम इन्वेंटेड किया। He writes, Pakistan is both a Persian and Urdu word. Pakistan is a combination of two languages. One is Persian, second is Urdu. अच्छा, ये हमारा एमसीक्यू आ सकता है, इस तरह आ सकता है, पाकिस्तान इज अ बोथ डैश एंड डैश वर्ल्ड। नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको, पर्शियन एंड उर्दू, अरबी एंड कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन आप पर्शियन एंड उर्दू को क्लिक करेंगे।
इट इज मेड अप फ्रॉम लेटर्स टेकिंग फ्रॉम ऑल और इंडियन एंड एशियन होमलैंड्स दे आर पंजाब अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंसेस कश्मीर ईरान सिंध इंक्लूडिंग कच्छ एंड काठियावाड़ तुर्किस्तान अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. Try to understand these paragraph. We will have to go a bit out of paragraph. Pakistan जो है वो हमारा abbreviation है. Abbreviation की kinds होती हैं initialism, acronym, clipping. Here we are not going to go in the depth of the abbreviation. I'm just going to make you understand. We've seen that Pakistan जो है abbreviation है. जब हम किसी भी company का नाम से उसके letters उठाएं और उसको शुरू के लेटर्स उठाएं और उसको इंडिविजुअल पढ़ें जैसे पी आई ए सी आई ए ये भी एब्रीवेशन है ये कहलाती है इनिशियलिज्म. जब हम किसी कंपनी के कुछ लेटर्स उठाएं और उसको एक नया नाम दे दें जैसे हमारी नैप है नैप को हम एन ए बी नहीं पढ़ते हम नैप पढ़ते हैं. इसी तरह वो ये बता रहे हैं कि चौधरी रहमत अली ने उस वक्त के जितने भी मुस्लिम इलाके या मुस्लिम ममालिक थे उनमें से एक एक वर्ड उठाया पंजाब का पी उठाया अफगानिस्तान का ए उठाया कश्मीर का के उठाया ईरान का आई उठाया सिंध का एस उठाया. इस तरह उन्होंने एक एक लेटर उठा के उन जगहों से जो उस वक्त मुस्लिम इलाके थे या मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने एक एक लेटर उठा के एक नया वर्ल्ड बनाया पाकिस्तान. ये कहलाती है एक्रोनियम. एब्रीवेशन कहलाती है लेकिन एब्रीवेशन की कौन सी काइंड से एक्रोनियम. तो यहाँ पे जो बातें हमें काबिले तवज्जो है वो ये हैं दैट चौधरी रहमत अली वाज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यू आ सकता है. ही फाउंड फॉर द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान ऑल हिज लाइफ. ही इन्वेंटेड द नेम ऑफ पाकिस्तान इन 1933 ये आपका एमसीक्यू आ सकता है. ही राइट्स पाकिस्तान इन बोथ अ पर्शियन एंड उर्दू वर्ड्स ये आपका एमसीक्यू आ सकता है. It's made up from letters taking from all our Indian and Asian homelands. They are the Punjab, Afghanistan, Northwest Frontier Provinces, Kashmir, Iran, Sindh, including Kutch and Kadewar, Turkestan, Afghanistan and Balochistan. I hope that you have understood how Pakistan name was invented. And who invented that? चौधरी रहमत अली. किस तरह बनाया पाकिस्तान जो है एक एब्रीवेशन है. एब्रीवेशन में कौन सी काइंड है वो एक्रोनियम है. कैसे बना ये मैं आपको बता चुका हूं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर.